दोस्तों आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं GTA 5 गेम जरूर खेला होगा या इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम इसी गेम के 5 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी वीडियो देखते रहिए, मेरा नाम है भाई चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, इस गेम का पहला फैक्ट निकलता है कि इस गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं, कि चाहे हम उस कैरेक्टर को कैसे भी कौन सा भी कैरेक्टर लें, हर किसी का सोने का समय अलग अलग है, हर किसी का सोने का स्केड्यूल अलग अलग है। मतलब कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं सोता, हर दूसरे व्यक्ति से अलग सोता है। इस गेम का ये फैक्ट है। हम इस गेम के दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर ओल्ड व्यक्तियों के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए कोई भी शहर नहीं है। किसी भी जगह आपको बूढ़े व्यक्ति नजर नहीं आएंगे। इस गेम के हम तीसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर ज्यादातर वॉइस GTA San Andreas से कॉपी मारी गई है। मतलब GTA ने अपने पुराने गेम GTA San Andreas से इस गेम की ज्यादातर वॉइस कॉपी की है। और हम इस गेम के चौथे फैक्ट के बारे में बात करें तो इस गेम के अंदर जॉन मार्स्टेन्स सन की एक लिखी हुई किताब है, वह इस गेम में असल में है। मतलब उस व्यक्ति ने किताब लिखी थी, वो किताब आप इस गेम के अंदर देख सकते हैं। आप उस किताब को इस गेम के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो इस गेम का पांचवा फैक्ट निकलता है कि इस गेम में द JB 700 कार है, वह कार हॉलीवुड के एक्टर जेम्स बॉन्ड की कॉपी मारी गई है। उसके पास भी सेम ऐसी ही कार थी, तो कहा जाता है कि इस गेम के अंदर वह उसी गाड़ी की कॉपी मारकर सेम उसी तरह की ड्राइविंग स्किल्स इस गाड़ी के अंदर दी गई है। मतलब इस गेम की ज्यादातर चीज कॉपी है। फिर भी यह गेम 23 अक्टूबर 2013 को पूरी दुनिया में रिलीज होगा, उस दिन से यह गेम आज तक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।